उसे मैं प्रेस ब्रीफिंग न कहकर अपनी जनरल आवाम के लिए एक अपील करूंगी। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, पिछले 2-3 हफ्ते से हम बहुत ही अच्छे आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे थे। मैं हर वीक आपको बता रही थी कि कैसे हमारे रैट की पॉजिटिविटी, आरटीपीसीआर की पॉजिटिविटी एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी कम हो रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को कॉशियस रहने के लिए, एहतियात बरतने के लिए भी सलाह देती आई थी। लेकिन इस हफ्ते हमारे पास ऐसे पॉजिटिव आंकड़े नहीं है। पिछले हफ्ते हमारी आरटीपीसीआर की पॉजिटिविटी एज वेल एज ओवरऑल पॉजिटिविटी में हमने एक जंप देखा है। इसका मतलब हमारी ये दोनों पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई है। देखिए, इसको आप लोग एक अपील के फॉर्म में समझिए। ऐसा नहीं है कि कोविड हमारी जिंदगियों से चला गया है। हम सब ऐसा सोच रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है, हम बिल्कुल अपनी आम जिंदगी में वापस आ गए हैं। मैं अक्सर देखती हूं बगैर मास्क के लोग घूम रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग कर रहे होते हैं। देखिए, इसी के चलते हमारे जो अच्छे आंकड़े थे उनमें गिरावट की बजाय हमने फिर से एक उछाल देखी है। वीकेंड्स पे जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि सोनमर्ग और मानसपल, इसमें इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है और उसमें भी लोग न तो मास्क लगाए होते हैं न ही वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मजबूरन हमें ज्वाइंट टीम्स बनानी पड़ी इन दोनों ही जगहों के लिए, जो कि वीकेंड्स पे स्पेशली जो पिकनिक वाला क्राउड है उनको रेगुलेट करेंगी। देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि यदि कोई फैमिली आउटिंग पे निकली हो उसके बीच में जाकर के हम व्यवधान डालें या उनको हम कहें कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। यदि आप लोग अपनी तरफ से ही एहतियात बरत लेते तो हमको शायद ये स्टेप भी ना उठाना पड़ता। जैसा आपको पता है, काफी जगहों पे टूरिस्ट स्पॉट पे वीकेंड का बैन लगा हुआ है, वहां नहीं जाया जा सकता है। लेकिन हमने ऐसा अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया था, ये सोचकर कि लोगों में खुद एक जिम्मेदारी है, वो लोग अगर बाहर निकलेंगे भी तो एक जिम्मेदारी के साथ निकलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया है और इन फिगर्स के चलते जो इस हफ्ते हमारी आई है, शायद हमें भी बहुत ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, मैं आप सबसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज भले ही इन्फेक्शन रेट कम हो गया हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपनाना ही पड़ेगा। एकदम से अगर फिर से इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा, फिर से रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर डाले जाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए अभी भी समय है। मैं आशा करती हूँ कि जब